Hello students, welcome to our third lecture of this chapter Light. In this chapter we are going to discuss about some important terms related to the spherical mirrors. We will have some discussion about principal focus and focal length of spherical mirrors, and also we will have a look at the ray diagrams for concave mirror also. Right, so let's get started. Okay, so first of all let's have a look at the simple diagram, for example, of spherical mirror, right? So let's see how do we basically do it. Let's suppose we have suppose this sphere, right? We already have discussed this in the previous lecture. Let's have a quick look at it. So if we have a sphere, obviously we will have a center of the sphere. अपने पास इसका एक सेंटर भी होगा ऑब्वियसली. एंड इफ दिस इज अ सेंटर, तो ऑब्वियसली सेंटर से लेके इस सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होगी हम उसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैं एक पार्ट कट कर रहा हूँ इस स्फीयर का, राइट? एंड दिस होल स्फीयर इज मेड अप ऑफ ग्लास, फॉर एग्जाम्पल. तो लेट्स सी, अगर मैं ये अलग से अब स्फीयर ले रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी एक छोटा सा कर्वेचर ले रहा हूँ जो इस स्फीयर से मैंने कट किया है, तो ऑब्वियसली ये कर्वेचर जो है इट हैज़ बीन कट फ्रॉम द मेन स्फीयर, राइट? ये मेन स्फीयर से कट हुआ है, तो इस कर्वेचर के हिसाब से इसका सेंटर तो चेंज नहीं होने वाला, द सेंटर इज स्टिल सेम, राइट? सो दैट इज बेसिकली नाउ कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म दैट वी विल नो अबाउट, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? इट इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. इस पार्ट को जिसको हमने कट किया है, जो ये कर्वेचर है, इसका जो सेंटर है, ये बेसिकली वही सेंटर है जो स्फीयर का सेंटर था. अब नेक्स्ट चीज, इस स्फीयर से, इस सेंटर से जो डिस्टेंस थी स्फीयर तक, जिसको हमने रेडियस ऑफ स्फीयर कहा था, वही अपना बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये जो है बेसिकली दिस डिस्टेंस, हम इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, सो अनदर टर्म हमारे पास आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट वही डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके मिरर तक जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? नाउ अनदर टर्म दैट इज नोन एज पोल. नाउ पोल इज बेसिकली दैट पॉइंट जो इस मिरर का सेंटर होगा, नॉट स्फीयर का सेंटर, मिरर का सेंटर. तो सपोज मैं इस स्फीयर के मिरर के सेंटर को पॉइंट पी से डिनोट कर रहा हूँ. सो अनदर टर्म वी गॉट हेयर इज पोल. सो पोल इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर. अगर आपको ध्यान होगा, अम्ब्रेला अगर आपने देखी होगी, सपोज ये एक अम्ब्रेला है मेरे पास, राइट? तो जहाँ पे आपके पास वो मेटल रॉड अम्ब्रेला को पियर्स करती है, उस सेंटर पे, दैट इज बेसिकली आर पोल. एग्जैक्टली वही है इस मिरर के लिए, ठीक है? तो अगर ये मेरे पास मिरर है, जहां पे वो सेंटर आपको मिलेगा इस मिरर का, ये पॉइंट, दैट इज बेसिकली पोल, ठीक है? नाउ लेट्स सपोज आई कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल. ऐसी एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू जाएगी, हम उसके लिए एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. ऑब्वियसली एक्सेस एक इमेजनरी एक्सेस है, तो अपने पास एक और टर्म आ गई, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस, राइट? एंड देन वी हैव अनदर टर्म दैट इज नोन एज अपर्चर. अपर्चर हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके थे. तो अपर्चर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर कितना बड़ा है, सिंपली दैट, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ देखूँ, सपोज मेरे पास यहाँ पे जो लेंथ है दैट इज m, m डैश, तो मैं कहूँगा कि अपर्चर बेसिकली यहाँ पे m m डैश है मेरा. इज दिस क्लियर? सो दीज आर फ्यू टर्म्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो बेसिकली इस कर्वेचर का जो स्फीयर, स्फीयर का सेंटर था, वही इस कर्वेचर का भी सेंटर होगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द क्या कहते हैं इसको, कर्वेचर, यानी कि इस मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. अनदर वन इज पोल. पोल इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द मिरर. अनदर वन इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू जाती है, इन दो पॉइंट्स के थ्रू जाती है. और लास्ट वन इज अपर्चर. अपर्चर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द मिरर, ये मिरर कितना बड़ा है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड.
So let's see that we have these definitions in front of us, right? So if you want to note them down, you can pause the video and aap inko note down kar sakte hain, right? Principal axis, and that is your aperture. Okay, nice. So let's now move to the another topic that is known as principal focus and focal length of the first. We will discuss about concave mirror. Okay, so let's see. Agar main concave mirror ke bare mein baat kar raha hu, how do we discuss or define its principal focus? Suppose I have a mirror, for example, and that mirror is my concave mirror. Now I already have defined few points on this concave mirror. That is, first, this is my pole. This is pole, and this is the center of curvature. And obviously, I'm going to draw the principal axis through it. This is my principal axis. Okay. Now, what do I do? Suppose I make an parallel beam of light incident on it. मैं इस curvature पे, इस mirror पे, मैं एक parallel beam of light डाल रहा. Obviously, this mirror is concave mirror. I hope you don't have any problem in that or confusion in that. हमने कहा था कि अगर रिफ्लेक्टिव साइड को फेस कर रहा होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिफ्लेक्टिव साइड फेस कर रहा होगा, सच ए मिरर इज नोन एज कॉन्केव मिरर. ओके, तो अगर मैं एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट करवाता हूँ इस मिरर पे, लेट्स सी, ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मैं इस पे इंसिडेंट करवाता हूँ, जहाँ पे ये लाइट आके मीट करेगी, राइट, जहाँ पे ये लाइट आके मीट करेगी, that point is basically known as my principal focus. So this is my principal focus. So this is basically a point. ये एक point है जहाँ पर ये सारी lines converge करके meet कर रही है. Obviously they're not stopping there, they are going on their respective paths, वो, लेकिन ये एक ऐसा point है जहाँ पर ये एक दूसरे को intersect कर रही हैं या मीट कर रही है, इन शॉर्ट, बट दे आर नॉट स्टॉपिंग देयर, दे आर कंटिन्यूइंग विद द जर्नी. इज दिस क्लियर? नाउ एज दिस पॉइंट, चूंकि ये पॉइंट जो है जिस पे एक्चुअली रेज मीट कर रही हैं, एक्चुअल रेज आर एक्चुअली डाइवर्जिंग और रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर, और वो यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज रियल पॉइंट. ये एक रियल पॉइंट है, यानी कि इसको अगर आपको देखना है, यू वुड नीड अ स्क्रीन. आप ऐसे इसको देख नहीं पाएंगे, राइट? So this is actually a real point, okay? And the length from this point to the pole, the distance which we are talking about now, is distance ko hum kehte hain focal length. Is this clear?